इसीलिए मैंने अपने लॉयर से डिस्कस किया है। तो अभी मैं दूसरा स्टेप उठाने आज ये ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आया हूँ और मुझे पुलिस कमिश्नर के पास भी मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ इस चीज़ की कि मुझे अभी जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि अभी जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चला गया है। इंटरनेशनल लेवल से मुझे कॉल आ रहा है। सो मैंने पुलिस कमिश्नर से डिमांड करी है कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी दे, जिसमें एटलीस्ट मुझे 4 गनमैन्स प्रोवाइड करें, जो मुझे 2 में गनमैन्स मेरे घर पे रहें, 2 गनमैन्स मेरे साथ रहें, जिससे मैं सुरक्षित रहूं मुंबई में, अपने घर में, अपने शहर में अच्छे से घूम सकूं। क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल से कॉल आने का मतलब ये है कि अल्पेश यादव को जिस लेवल का मैं क्रिमिनल समझ रहा था, अभी ये उससे भी नेक्स्ट लेवल का क्रिमिनल है। इसका गैंग बहुत बड़ा है। तो अल्पेश के गैंग के जो लोग हैं वो मुझे अभी कोई कॉल करके बोल रहा है मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं अमेरिका से कॉल कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं यूके से कॉल कर रहा हूँ। सो अभी समझ में आ रहा है कि अल्पेश यादव एक छोटा इंसान नहीं है। ये जो जितना जो क्राइम की दुनिया है उसमें अल्पेश यादव का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मैं फिर भी अल्पेश यादव को बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं ये केस वापस नहीं लूँगा। आखिरी दम तक, चाहे मेरी जान भी चली जाए, आखिरी दम तक इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और अल्पेश यादव को सलाखों के पीछे ला के रहूँगा, दुनिया के सामने सच्चाई बता के रहूँगा। पर अभी जो अल्पेश यादव का जो केस चालू हुआ था देव पार्टी वाला, बट अब तक पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया, बट उसके उनको अरेस्ट करने की बात की है, बट अब तक कुछ हुआ नहीं। ये ऐसा क्यों है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसके कौन से कॉन्टैक्ट वो यूज़ कर रहा है एलविश, जिसकी वजह से वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा है, पुलिस कस्टडी में नहीं जा पा रहा है। मैं चाहता हूँ उसे इमीडिएटली कस्टडी मिले, अरेस्ट वारंट इशू करें, ताकि इस सबकी जान को, जिन जिन लोगों का खतरा है, जो यूथ है, जो नशे की तरफ जो मुंबई का यूथ जा रहा है,